बघेली पिक्चर फिल्म बुधिया के प्रमोशन में उतरा विंध कवि दरबार। विंध वासियों का मिल रहा व्यापक समर्थन। आगामी 12 नवंबर को रिलीज होगी बघेली पिक्चर फिल्म बुधिया। लगातार जारी प्रमोशन का दौर। विंध कवि दरबार के वरिष्ठ कवियों, साहित्यकारों, संगीतकारों ने की विंध वासियों के बुधिया फिल्म देखने की अपील। बघेली स्तंभ कवि एवं गीतकार डॉक्टर राजकुमार शर्मा राजदादा से आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेने बुधिया फिल्म के निर्माता बघेली एक्टर अविनाश तिवारी अपने टीम के साथ कवि दरबार पहुंचे। वहां विंध कवि द्वारा दरबार के उपस्थित वरिष्ठ कवित्री डॉक्टर आरती तिवारी, रहीस मिश्रा, रहीस अमित शुक्ला, नीरज निर्मोही, डॉक्टर राजकुमार शर्मा, राजदादा, कामता माखन, शिवेंद्र मिश्रा भी उपस्थित रहे। पकड़ ओखा बुधिया के हिट डायलॉग के साथ अविनाश तिवारी और उनके टीम को शुभकामनाएं प्रेरित करते हुए सभी कविगणों ने विंध्यवासियों से बघेली फिल्म को बुधिया देखने की अपील की, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही। बघेली के विख्यात युवा कवि अमित शुक्ला ने सोशल मीडिया के माध्यम से बुधिया की तारीफ करने के साथ ही विंध्यवासियों से बुधिया फिल्म थिएटर पहुंचकर देखने की अपील की। कवि अमरीश अंबर ने तो बुधिया फिल्म पर कविता ही लिखी। सिंगर दीपक पांडे डीके म्यूजिक बघेली यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ। बुधिया के रेरा गाना दिव्यांशु तिवारी के यूट्यूब से भी बुधिया के प्रमोशन में गाना बज रहा है। पंकज तिवारी ने अपने फनी चैनल से बुधिया की तारीफ के साथ ही बघेली वुड के हित की बात कही। बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।